फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक आई ड्रॉप्स को सही तरीके से ओपन कैसे किया जाता है और सही तरीके से इसका आंख में यूज कैसे किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही सिंपल है। आप सोचेंगे कि यह तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो हर कोई खोल लेगा और हर कोई आँख के अंदर डाल लेगा, लेकिन इसकी भी टेक्निक होती है। इसको आप सही टेक्निक से आँख में नहीं डालेंगे तो आपकी जो ड्रॉप्स है वह वेस्ट हो जाएगी। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो आई ड्रॉप्स का सही से यूज़ नहीं करते हैं और उनकी जो ड्रॉप्स होती है वह वेस्ट हो जाती है। तो हम आपको बताएंगे कि इसकी टेक्निक क्या है और इसको सही तरीके से आँख के अंदर कैसे डालें कि जो आपकी ड्रॉप्स है वह लंबे टाइम तक चले। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे हाथ में आप एक ड्रॉप्स देख रहे हैं, तो इस ड्रॉप्स को हम ओपन करेंगे। अभी यह पूरी तरह से पैक है तो इसको सही तरीके से हम इसको ओपन करना आपको बताएंगे। तो पहले इसको ओपन करते हैं, फिर इसका हम आँख में आपको बताएंगे कि क्या सही तरीका है आँख में डालने का। तो सबसे पहले आपको ढक्कन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इसमें एक रिंग होती है, इस रिंग को आपने निकालना है। वो निकालने के बाद में इसको पूरा आपने टाइट कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो ढक्कन है इसके अंदर एक जो निडल जैसी होती है, तो उसको जब टाइट करेंगे तो जो आई ड्रॉप्स का आगे की जो टिप होती है वह ओपन हो जाती है और ओपन होने से इसके अंदर से ड्रॉप चालू हो जाती है। तो बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि घरेलू निडल होती है उससे क्या है इस ड्रॉप्स को ओपन कर लेते हैं। तो आँख होती है वह जो बॉडी होती है उसका बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, तो जो घरेलू निडल होती है उसके आगे क्या है डस्ट होती है और वो डस्ट इस ड्रॉप्स के अंदर चली जाती है और जो ड्रॉप्स है यह ख़राब भी हो सकती है। और जब इसका आप आँख के अंदर डालेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपकी आँख में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो आपको कभी भी जो घरेलू निडल होती है उससे इसको ओपन नहीं करना होता है। तो जो एक निडल होती है वह इसके जो ढक्कन होता है इस ढक्कन के अंदर ही होती है। तो इस रिंग को आपने पहले निकालनी है और फिर इसको पूरी तरह से टाइट कर देना है। टाइट करेंगे तो वह अपने आप आई ड्रॉप्स होती है वह ओपन हो जाती है। चलिए अब आगे समझते हैं कि इस ड्रॉप को आँख के अंदर सही तरीके से कैसे डालें, क्या टेक्निक है इसको सही तरीके से आँख के अंदर डालने की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हैंड वॉश करने हैं और अच्छी तरह हैंड वॉश करने के बाद में आपको इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में जो लोअर आईलिड होती है, आँख की जो लोअर आईलिड है, इसको इस तरह से ऐसे नीचे करना है। देखेंगे कि जो आईलिड है इसके अंदर कुछ जगह बन गई है, तो इस जगह के अंदर आपने एक ड्रॉप्स डालनी है। वो डालने के बाद में आपको अपनी आँखों को बंद करना है। तो आँख के अंदर एक ड्रॉप्स ही काफ़ी होती है। तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं, जो ड्रॉप्स होती है उसकी दो तीन ड्रॉप्स आँख के अंदर डाल लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ड्रॉप्स ही डालनी है और ड्रॉप्स डालने के बाद में आपको आँखों को ओपन नहीं करना है। ड्रॉप्स डालने के बाद में लगभग आपको 5 मिनट आँख को बंद रखना है। आँख को बंद रखेंगे तो जो ड्रॉप्स होती है उसका जल्दी इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एक ड्रॉप्स को सही तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस ड्रॉप को आप घरेलू निडल या फिर घरेलू जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे आपको नहीं ओपन करना है। आपको इस ढक्कन के अंदर जो निडल होती है उससे ही इसको ओपन करना है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक ड्रॉप को ओपन किया जाता है। तो दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।